तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एमएस वर्ड। तो आज हम एमएस वर्ड का स्टाइल ग्रुप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाइए और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ लिख रखा है। तो अभी मैं स्टाइल ग्रुप में देखो ये सिलेक्ट कर लिया। स्टाइल्स देखने वाले हैं, देख ये स्टाइल्स हैं अपने पास दे रखी हैं। इसको खोलेंगे तो ये आपको स्टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये इसमें पहले से ही बनी हुई स्टाइल्स हैं, इस पर क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये यहाँ पे क्लिक करके ये कोई भी स्टाइल आप बना सकते हैं अपने हिसाब से, ओके, ठीक है। तो देखो, आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएंगे, कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कर लिया हेडिंग 2, और यहाँ पे आपने कर लिया हेडिंग 2, और इसको आप ले सकते हैं हेडिंग 3, ठीक है। जैसे को आप किताब बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो इनमें ये हेडिंग 3 ले लिया, जिससे ये पता चल जाएगा, देखो हेडिंग 2 के अंदर हेडिंग 3 है ना, ओके। और आप देखो है, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था, ऐसे ही हम इसको हटाएंगे तो देखो ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये हेडिंग 2 के अंदर आ जाएगा, हेडिंग 3, ओके। और हम अपनी भी स्टाइल बना सकते हैं। अपनी स्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो मैं कंट्रोल ए करके क्लियर और फॉर्मेटिंग कर देते हैं, तो अभी मैं क्लियर और कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप अपनी स्टाइल बनाना चाहते हैं उसके लिए क्या करेंगे, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने ये बोल्ड कर दिया। मान के चलो कोई फॉन्ट जो आप लेना चाहें, कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने ये फॉन्ट ले लिया और इसको अंडरलाइन भी कर दिया, और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता, मैं कलर ले लिया ब्लू, ठीक है। इसका फॉन्ट भी बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये है, मैं इसको क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट स्टाइल पर क्लिक करके ये स्टाइल। अब इसमें आप नाम डाल सकते हैं, माई स्टाइल लिख सकते हैं, माई स्टाइल आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, माई स्टाइल, ठीक है। और एंटर कर देंगे, ठीक है, ये आपका स्टाइल बन गया। अब मान के चलो मुझे ये वाला स्टाइल इस हेडिंग पे पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आप देखेंगे और ये माई स्टाइल का ये आपके सामने आ गया, तो इस पर क्लिक करेंगे और देखो ये बन गया। ऐसे ही आप यहाँ आएंगे, माई स्टाइल पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ शो होने लग गया, ठीक है जी। तो आप ऐसे ही कोई भी हेडिंग बनाएंगे, मान के चलो मैंने ये हेडिंग बना ली, माई स्टाइल पर क्लिक किया, जितना आप सिलेक्ट करेंगे उतना, ठीक है। और इस पर मैंने माई स्टाइल डाल दी, ठीक है। तो ऐसे आप इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप अपनी एक स्टाइल बना सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। इससे एक फायदा और भी है, जैसे अब आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपने जो माई स्टाइल नाम का ये जो स्टाइल है, ये किस किस पॉइंट पर, मतलब किस किस हेडिंग पर लगाई है, उनको सबको सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखो, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखो जितने ये चार हेडिंग पे आपने माई स्टाइल लगाई है, तो देखो चारों हेडिंग सिलेक्ट हुई। कैसे, देखो मैं एक बार बाहर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और सिलेक्ट ऑल, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है चार हेडिंग है ना, तो ये चार जगह हुए हैं, तो चारों हेडिंग सिलेक्ट हो गई हैं। ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो मान के चलो इस पर क्लिक करेंगे, माई स्टाइल पर राइट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, मान के चलो आपको कलर पसंद नहीं है, कलर चेंज कर लिया, आपको लगता है फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और ठीक है, आप बोल्ड हटा सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं, और ओके कर देंगे, देखो आपका यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये भी है कि मान के चलो आपने यहाँ से इसको लिया और यहाँ पे आपने कलर ग्रीन सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट माई स्टाइल मैं सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ से चेंज हो गया और यहाँ भी आपका स्टाइल चेंज हो गया, और नीचे जितनी जो हेडिंग इस स्टाइल की थी वो भी सारी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद
आप स्टाइल का, जैसे आपका नाम है माई स्टाइल, तो आप इसको स्टाइल वन भी दे सकते हैं, ठीक है, ओके कर सकते हैं, ठीक है, स्टाइल वन भी दे सकते हैं, जो आप चाहें नाम दे सकते हैं, ओके। इसके बाद क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर राइट क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल कर लिए। अब मैं चाहता हूँ इनको क्लियर कर दें, इनकी फॉर्मेटिंग। तो आप एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं क्लियर और फॉर्मेटिंग, या फिर आप यहाँ आएंगे और क्लियर और फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इनकी फॉर्मेटिंग चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया और इस पर मैंने दोबारा से कोई फॉर्मेट डाल देता हूँ, ये वाला डाल दिया अबकी बार, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद यहाँ आएंगे आप, अप्लाई स्टाइल, अप्लाई स्टाइल है एक, अप्लाई स्टाइल पे जाएंगे आप, क्या होगा यहाँ पे, देखो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, यहाँ चले गए अप्लाई स्टाइल पे चले गए, यहाँ पे आपको जो स्टाइल यहाँ पे हैं सारी वही स्टाइल आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे अप्लाई स्टाइल में। हेडिंग वन जैसे माई स्टाइल है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको आप हटा के रख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो सेम वही है, इसमें कुछ खास नहीं है, आप जाएंगे कोई भी स्टाइल जो यहाँ पे है वही अप्लाई स्टाइल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मॉडिफाई में जो यहाँ पे जो भी हेडिंग जो यहाँ पे है वो ऑप्शन वही यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, इसमें मॉडिफाई करना है मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ भी कलर चेंज करना है जैसे फॉन्ट चेंज करना है और कुछ भी आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है और ओके कर देना है, ठीक है। आप यहां से भी कर सकते हैं वही चीज, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देखो यहाँ से आप शो प्रीव्यू मान के चलो, आपने ये खोला डायलॉग बॉक्स, तो इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस। यदि आप अल्ट कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाएगा। अब इसमें देखो आप शो प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप शो प्रीव्यू करेंगे तो आपको यहीं दिखने लगे जाएंगे आपकी स्टाइल, ठीक है। और यहाँ आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको सब वही स्टाइल मिल जाएंगे, कुछ अलग नहीं है इसमें, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, ठीक है। इसमें ऑप्शंस हैं जो कि ज्यादा काम के हैं नहीं आपके, तो इनको अभी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको ये समझ में आ गए हो तो आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर देखिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और कल हम देखेंगे एडिटिंग में जितने फाइंड रिप्लेस सिलेक्ट और एडिटिंग से संबंधित जो भी है वो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।